ले चलते हैं आपको अरोमाबे की इक्विपमेंट्स कंपनी में, जिनकी एक मशीन, इनको हम कैसे रिपेयर करें, कैसे ठीक करें अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत आती है। पहली चीज, कंपनी ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड करती है आपको कहीं पे भी, बट क्या होता है कि समटाइम्स यूजर्स को अगर अपने पैसे बचाने को सेव करना हो, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, जो सर्विस बॉय है, वो हमें पे करने पड़ते हैं, तो उस टाइम में ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, तो उस टाइम में अगर हम चाहें तो हम इस मशीन को हम खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है इसमें, बट मेन चीज़ होता है स्पेयर पार्ट। क्या आपने जिससे मशीन परचेज करी है उसके पास स्पेयर पार्ट है? अगर नहीं तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप अरोमाबेक से परचेज करते हैं, अरोमाबेक इक्विपमेंट से अगर आप मशीन परचेज करते हैं, तो आपको एक एक मशीन की एक एक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल मिलती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अरोमाबेक इक्विपमेंट के साथ डील करने का। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बाकी वेंडर्स और अरोमाबेक में डिफ्रेंशिएट करती है, जो कि अरोमाबेक सारे मशीन रखता है स्पेयर पार्ट के साथ। आइए चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करें। ये हमारा 5 लीटर प्लानिटरी मिक्सर है अरोमाबेक इक्विपमेंट का। सो इसमें जनरली क्या होता है, गरारी यहाँ पे गियर कट जाता है ड्यू टू यूज ऑफ हैवी डो या हैवी क्वांटिटी में आप कुछ यूज करते हैं तो ये खराब हो जाता है। सपोज कीजिए आपने एक मशीन परचेस किया, इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आपने मशीन आज परचेस कर लिया और 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस मशीन को आपको फेंकना पड़े। नहीं, मशीन का मतलब होता है आपने एक मशीन परचेस किया, वो एक ड्यूरिंग पीरियड तक 4 से 5 साल तक वो चलेगा, चलना चाहिए। और इस बीच में कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब होते हैं, जैसे कि स्विच, गरारी, गियर, और ये ना मिलने के कारण लोग अपनी जो नए मशीन को सेल आउट कर देते हैं या बेच देते हैं या फेंक देते हैं। बट अरोमाबेक इक्विपमेंट्स जो दावा करती है कि आपको आपकी मशीन नहीं फेंकनी पड़ेगी, आपके पास स्पेयर पार्ट मिलेंगे और उससे आपकी मशीन जो खराब है वो रिपेयरेबल भी है और उसे सही हो जाएगा। बेसिकली हम ये मशीन की वारंटी आपको सर्विस, आप मान लीजिए आपको हमने मशीन पर दे दी, उसको आपको यहाँ पे दिल्ली में भिजवाना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे रिपेयर करते हैं, सही कर देते हैं। बट अगर आपको कहीं दूर हो और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं चाहते भिजवाना, तो आप यहाँ से, हम यहाँ से स्पेयर पार्ट भेज देंगे, आपको जस्ट वो स्पेयर पार्ट चेंज करना है और आपकी मशीन ओके हो जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं, इसको खोलते हैं, अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा गियर, ताकि ये टिल्ट हेड बन जाए। सो अब हम करते हैं, इसमें जो खराब होने वाली चीज है, एक तो स्विच और ये दोनों अभी हम चेंज कर सकते हैं। ये इसको नीचे से जाके हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये हटाना है और ये पार्ट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? हाथ डाल के नीचे से। बट हम जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है मिक्सर में, हम आज वो अभी ठीक करेंगे और देखेंगे कैसे ठीक होता है। सो ये है हमारा गेयरबॉक्स, हम पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे टेप है, ये ऐसे निकल जाता है, निकाल दिया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो पेच ये रहा और दो पेच इस साइड में है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये हमारा टूल जो कि हेल्प करेगा इसको ओपन करने में। ये हमने चारों नट ओपन कर लिए, अब हम इसको ओपन करते हैं। सो आइए मैं इनके बारे में समझाता हूँ। ये मोटर है जो इसको इससे रोटेट करता है, इस मोटर से ये रनिंग
ये रन करता है तो ये चालू होता है और ये रोटेट करता है तो ये घूमता है, देख रहे हैं आप। सो ये रोटेशन ऐसे चलती है। तो अब हम करते हैं इसको ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको ये चार नट देख रहे हैं आप, इसको ओपन करेंगे। उसके लिए चाहिए होगा हमें एलन की इस साइज का, ताकि इसमें लग सके। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया, हमने इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। क्या होता है अब ये जो है ये ढीला हो जाता है, बेल्ट ये निकल गया इसको आगे की तरफ पुश करने से, क्योंकि ये टाइट करना होता है हमें ये बेल्ट। तो अब हम इस बेल्ट को यहाँ रखते हैं साइड। अब इसको ओपन करने के लिए दो चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे घुमाते हैं ये नट बाहर आ गया, देख रहे ये उल्टा चढ़ता है, ये उल्टी चूड़ी में चढ़ता है, मतलब अलग इसकी रोटेशन अलग है। जैसे इसको ऐसे करके ये उल्टा चढ़ाएंगे तो ये चढ़ेगा। वैसे मैं जब हम इसे फिट करेंगे तब मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये हमारा ये निकल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो दो एक पाँच, ये पाँच नट्स हैं यहाँ पे, राइट। दो दो चार पाँच, अब इसको मैंने दिखा दिया। बट जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ ये गरारी में आती है, तो इसको हम कैसे चेंज करें आइए देखते हैं। पहले हम इसको ओपन करेंगे, तो ये चाबी चाहिए हमें, ये रहा। तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमता है, तो हम इसको यहाँ पे फिर से वापस लगा देते हैं। हमने टाइट कर दिया। अब इसको खोलने के लिए हम इसको यहां पे पकड़ेंगे, ग्रिप बनाएंगे, ये हमने ओपन कर दिया। ये वॉशर है जिसको जिसकी वजह से ये टाइट हो जाता है नट, ताकि ओपन ना हो जल्दी। अब ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद हम इस प्लेट को ओपन करें, खोलें। ये थोड़ा सा टफ वर्क है, ये बाहर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये हमारा पार्ट देखो ध्यान से आप, इसको निकालना भी है हमें, अभी निकलेगा कैसे ये देखिए। यहाँ पे गैप देख रहे हैं आप, इस गैप में आपको नॉर्मल ऐसे पुश करना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ खींचना है, जिससे ये आ जाएगा इधर। तो अब यहाँ तक ओपन हो चुका है, इसको लगा लेते हैं। ये बाहर निकल आया। अब ये बाहर निकलने के बाद ये गरारी चेंज करनी है हमें, ये और ये ऊपर की ये वाली।
अभी ये ए वाली कैसे चेंज होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमने एलन की यूज़ किया था उस एलन की को लगाएंगे। देख रहे हैं आप जैसे मैंने ढीला कर रहा हूँ ये नीचे आने को हो गया है। ये हमारे पास आ गया। मेन चीज क्या होता है ये कटने लग जाता है, ये कट जाता है, खराब हो जाता है हैवी लोड के कारण, तो ये हमें चेंज करना होता है मेन। सो इसको चेंज करना बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया कैसे चेंज करना है। तो अब हम इसको वापस फिट कर देते हैं और इसको निकालने के लिए ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे, आपको ये आपको यहाँ पे सील दिख रहा है, ये सील है ये जो कि आपको इसको निकालने के लिए, इस गरारी को निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इसको तब जाके आपका ये निकल पाएगा। अगर ये भी खराब होता है, ये बहुत रेयर खराब होता है, बहुत कम खराब होता है। तो अब हम इसको वापस लगाते हैं। ये हमारा फिट हो गया, आप देख रहे हैं गरारी। अब आप इसको सेट करते हैं जैसे था एग्जैक्टली। यहाँ पे इसको घुसाने में थोड़ा टिपिकल काम है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग इसको ये देख रहे हैं कट, ये कट में ये सीधा की होता है, इसके हिसाब से डालना होता है सिंपली ऐसे स्लोली स्लोली। और अब यहाँ आधा चलने का देखिए गरारी जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम अंदर करेंगे। तो चाबी कहते हैं,
इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे पुश करेंगे, देख रहे हैं इजीली अब चल गया ये। तो ये हमारा ऊपर चढ़ चुका है, ये गरारी चढ़ चुका है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं आप नट, अब हम इसको टाइट करेंगे। तो पहले हम वॉशर यूज करेंगे और उसके बाद हम नट, और अब हम इसको टाइट कर देंगे। जनरली आप देख रहे होंगे ये घूम रहा है, देख रहे हैं हम लोग टाइट कर रहे थे, ये घूम रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ लेंगे, हम इसको टाइट। अब हमें ये टाइट हो गया, इसको काफी अच्छे से टाइट करना है ताकि ये निकले ना। उसके बाद इसको कैप को लगा देना, सिंपल आपका मशीन रिपेयर हो गया। बट आपने हमने ये खोला था, उसको हम फिर से फिट कर देंगे। चढ़ गया, अब हम इसको देखिए ढीला है, अब हम इसको टाइट करेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, इतना टाइट भी नहीं होता है, बस बस बस। ये टाइट हो गया, ये मिक्सर कंप्लीट हो गया। और इसको सो फाइनली आपका ये मिक्सर रिपेयर हो गया, चालू हो गया। और इस प्रोसेस में लगा हमें 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, जिसमें आपका 5 लीटर की रिपेयरिंग भी हो गई और आपका ग्रारी भी चेंज हो चुका और ये फिर से नया मशीन बन चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ, रिपेयरिंग सर्विस एंड सेल के साथ। बने रहिए अरोमा बेक इक्विपमेंट के साथ और विजिट कीजिए www.aromabake.com पे, और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है अरोमा बेक के नाम से, ARO MABAKE। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करें अरोमा बेक इक्विपमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।